सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी को कैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन बटन होगा उसे प्रेस करें जिससे हमारा कोई वीडियो अपलोड होगा तब तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर में आपको शेयर इट सर्च मारना है, SHAREIT शेयर इट सर्च मारने के बाद आप उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आप लोग उसे इंस्टॉल कीजिए तो ही काम करेगा शेयर इट। एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, वो जेंडर से था, ये शेयर इट से है। सो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। सो मैं इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। सो मेरा इंस्टॉल हो रहा है। सो इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आप उसे ओपन कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाएगा तो उसे आप दोनों ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एलो पे क्लिक करना है, दोनों मोबाइल से एलो पे आपको क्लिक करना है, फिर एलो पे क्लिक करना है, एलो पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर उसके बाद आपको इंटर शेयर इट पे क्लिक करना है। इंटर शेयर इट पे क्लिक करने के बाद ऊपर में आप देख सकते हैं सेंड का ऑप्शन है, उस सेंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऊपर में सेंड का ऑप्शन होगा, उसी सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कॉल ऑफ ड्यूटी खोज के उस पर टिक लगाना पड़ेगा। सो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खोज रहा हूँ, कहाँ पे है कॉल ऑफ ड्यूटी। सो देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी कहाँ पे। उसके बाद उस मोबाइल में आपको रिसीव का ऑप्शन होगा, उस रिसीव पे क्लिक करके रिसीव करना पड़ेगा। सो सबसे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी खोज लेते हैं। सो कॉल ऑफ ड्यूटी मिल गया, उस पर क्लिक करके नीचे में सेंड का ऑप्शन, उस सेंड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सो उस सेंड पर क्लिक करना पड़ेगा और उस मोबाइल में रिसीव पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस सेंड पे हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद उस मोबाइल में आपको रिसीव पे क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ रिसीव का ऑप्शन है, उस रिसीव पे क्लिक करना पड़ेगा। सो उस रिसीव पे क्लिक कीजिए। रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ गया ओपन इधर सेटिंग, तो इस सब बल्कि ओपन और सेटिंग इसे आपको ऑन करना, बल्कि सेटिंग पे क्लिक करके आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सो आप यहाँ पूरा देखिएगा। सो यहाँ से बैक कर लेते हैं। उसके बाद उस मोबाइल पे देखिए दो को ओपन का ऑप्शन है, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। सो वहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, आपको वहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको एलो करना है परमिशन, फिर नीचे में भी ऑप्शन ओपन का उस पर भी आपको क्लिक करना है। उस पर भी क्लिक करने के बाद फिर आपको एलो करना है, उसके बाद आपको इधर भी वही काम करना है। सो आप सेटिंग सेम टू सेम मेरे तरह कीजिए, वहाँ पे आपको एलो करना पड़ेगा। सो नहीं, इसमें आपको हॉटस्पॉट बंद करना पड़ेगा, हॉटस्पॉट आपका ऑन हो नहीं रहना चाहिए। सो वहाँ से आप हॉटस्पॉट बंद कर लीजिए, इसको भी एलो कीजिए आप। फिर उसके बाद ओपन पे क्लिक करके फिर इसको ये काम हो गया। फिर उसके बाद आपको ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपका हॉटस्पॉट ऑन है। ऊपर वाला जो सेटिंग है उस पर क्लिक करके आपको हॉटस्पॉट बंद करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बंद करके आपको दिखाता हूँ। सो उस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद हॉटस्पॉट ऊपर से बंद कर दीजिए। सो ऊपर में ऑप्शन हॉटस्पॉट का, तो वहाँ से हम बंद करते हैं। उसके बाद अब ये सेटिंग आपका काम करेगा नीचे वाला ओपन पे, तो उस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा वर्क कर जाएगा। सो फिर एलो पे क्लिक कीजिए तो वर्क कर गया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर वहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके मोबाइल पे आएगा सर्च होने के बाद आपका, बल्कि जो मोबाइल होगा उस मोबाइल का नाम आएगा। सो यहाँ पे एलो और एलो करना पड़ेगा, फिर बैक जाइए। सो उसके बाद यहाँ पे फिर से सर्च मारना पड़ेगा, तो फिर एलो करना पड़ेगा। आप देखिएगा आपका नाम आएगा। सो मेरा मोबाइल का नाम आ चुका है, उसके बाद रेडमी 5A का नाम आ चुका है। तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका ये फाइल सेंड हो रहा है। सो ये फाइल आप देख सकते हैं सेंड हो रहा है। इसके बाद आपको सेंड एक फाइल और सेंड करना पड़ेगा। सेंड फाइल पे आप क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट जाना है फाइल का ऑप्शन पे। तो फाइल का ऑप्शन ऊपर में आप देख सकते हैं फाइल ऑप्शन है, तो उस फाइल का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सिंपली एक बार और देख लीजिए, इस फाइल के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन, इंटरनल स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है। सो इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल के एंड्रॉयड में जाना है, तो एंड्रॉयड फोल्डर में जाने को OBB में जाना, OBB तो फर्स्ट में आप कॉल ऑफ ड्यूटी का फाइल देख सकते हैं, तो उसे आपको सेंड करना है। उस पर आपको क्लिक करके आपको फिर से सेंड पर क्लिक करना है। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद ये भी फाइल आपका सेंड हो जाएगा। यही फाइल एक 4GB का जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। सो ऐसे इस तरीका से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। सो उसके बाद पूरा जाने के बाद भी प्रोसेस है, तभी आपका गेम चलेगा। पूरा जाने के बाद एक प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, तब आपका गेम चलेगा। तो ये पूरा जा रहा है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
जिस मोबाइल में आप भेज रहे हैं पूरा जाने के बाद, वो बल्कि जिस मोबाइल से भेज रहे हैं उस मोबाइल का कोई काम नहीं, उस मोबाइल को आप साइड में रख दीजिए। और जिस मोबाइल में वो फाइल को सेंड किए हैं उस फाइल में जाके आपको सिंपली जाना अपने डेस्कटॉप पे, उसके बाद आपको ओपन करना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, फाइल मैनेजर ऊपर में अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लीजिए। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको अपना फाइल की ओर बढ़ जाना है। फाइल की ओर बढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फाइल की ओर बढ़िए, उसके बाद आपको से एडिट नाम का एक फाइल फोल्डर बन गया होगा, तो से एडिट फाइल फोल्डर को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो से एडिट नाम का जो फाइल फोल्डर बना उसे ओपन कीजिएगा। उसे ओपन करने के बाद ऐप पे ओपन करना, ऐप पे ओपन करने के बाद ये ऐप आपका आ चुका है, ये ऐप आ चुका है, इसे आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद एक प्रोसेस और वो भी मैं आपको बताऊँगा। इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद एक प्रोसेस और, फिर से आपको सिंपली जाना अपने मोबाइल के फाइल में। फाइल में मैं जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। फाइल में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फाइल में जाने के बाद फिर उसी फाइल में जाना है, लेकिन उस टाइम में आपको उस फाइल के फाइल्स में जाना है, तो उसी में जाना, फाइल्स ऑप्शन में जाना है। फाइल्स ऑप्शन में जाने के बाद इसको आपको मूव करना, नहीं तो कॉपी करना, नहीं तो कट करना है। मैं उसे मूव कर लेता हूँ। मूव करने के बाद आपको मूव पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो कॉपी कट करना, तो कॉपी कट कर सकते हैं। मूव पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली, ओके मैं बताता हूँ, मूव पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको फिर से इंटरलेयर और स्ट्रेच पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड ऑप्शन में आप एंड्रॉयड ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे आपका मोबाइल में। एंड्रॉयड ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली आपको OBB फाइल में जाना। OBB पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली अपना गेम को ओपन कर लीजिए, आपका गेम पूरा 100% चलेगा। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आपका गेम आपके मोबाइल में 100% चलेगा। लेकिन अर्ली एक्सेस आपका में रेडी होना चाहिए, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो अभी अर्ली एक्सेस ही है। धन्यवाद, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, चलते हैं, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन बटन होगा उसे प्रेस करें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तब तक सबसे पहले पहुंचेगा।